देखो जिंदगी में जितने भी कांड हो जाए, चाहे तुम्हारी जिंदगी झंड क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता ही है जो तुम्हारी हर लाइफ की सिचुएशन में हेल्प करेगा। चाहे तुमने पूरा गिव अप कर लिया हो, लेकिन एक दोस्त तो ऐसा होता ही है जो तुम्हें भैंसों काम पर रो मत मर्द बन के कहकर उठाएगा। वो दोस्त जिसे तुम बिना गाड़ी दिए रह ही नहीं सकते, वो दोस्त जिसके साथ तुम लड़ते रहते हो लेकिन जुदा भी नहीं हो सकते, वो दोस्त जो के पहले एक अजनबी था पर आज तुम्हारा यार है, यस बेस्ट फ्रेंड। और मैंने माँ कसम टीवी शोज में बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड देखे हैं जो कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो टॉप 5 बेस्ट फ्रेंड के ऊपर बनाई जाए इन एनीमे एंड कार्टून। सो चलो यार शुरू करते हैं। नंबर 5, सास्के एंड नारुतो। जी हाँ, नारुतो के यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पॉपुलर दोस्ती नारुतो एंड सास्के। वैसे तो ये बचपन में एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब इनकी लाइफ में बहुत ही बुरी ट्रेजेडी वापरी तो इन दोनों की फीलिंग्स को इनसे अच्छा और कोई भी नहीं जान सकता था। जी हाँ, और ये एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन इनकी दोस्ती को नंबर 5 पे रखने का कारण ये है कि सास्के विलेज को छोड़ के भाग गया था और नारुतो की दोस्ती की रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो तो एक हमारा नारुतो था भाई, जो की बार बार अपने दोस्त के पीछे लगता रहता था। ना सास्के को क्या पड़ी है भाई, उसका मोटिव तो बस इटाची को मारना था भाई, वो तो नारुतो तक को मारने के लिए तैयार था और साकुरा को तो भाई ऑलमोस्ट मार ही चुका था। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, ये ये दोबारा अच्छे दोस्त बन गए। नंबर 4, हैरी एंड पीटर। स्पाइडरमैन की सीरीज की ये दोस्ती मेरी फेवरेट भाई साहब, इनकी दोस्ती को आज भी पूरी दुनिया मिसाल देती है। आई मीन भाई, तुम ही सोचो एक गरीब घर के लड़के की दोस्ती रिच मिलियनर से हो जाती है, जिसके पास ना ही कोई एटीट्यूड और ना ही कोई ईगो, वेरी स्वीट हार्ट। और यही हमारा हैरी एंड पीटर पार्क की दोस्ती है। हालांकि हैरी को स्पाइडरमैन पसंद नहीं था क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड उस पर ध्यान नहीं देते थे, और काफी सीरीज में हैरी ने स्पाइडरमैन और पीटर को मारना भी चाहा, बट वो बस कुछ पल के लिए था। आई मीन, अगर मेरे बाप को कोई मारेगा तो भाई मैं तो भाई पूरी दुनिया खत्म कर दूं, और ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो हैरी ने एक सच्चा दोस्त होने के नाते अपने आप को कुर्बान कर दिया पीटर के लिए। भाई साहब ये सी देखो तो भाई मैं एक्चुअल में रो पड़ा था। नंबर 3, साइबोर्ग एंड बीस्ट बॉय। टीन टर्टल्स की सीरीज का ये डुओ सबसे कमाल और लाजवाब। आई मीन भाई, इनकी दोस्ती मुझे बहुत पसंद है, दोनों ही मजाकिया टाइप के हैं और दोस्तों भाई मजाकिया होते ही हैं, एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, एक समझदार और एक बेवकूफ, एक छोटा एक बड़ा, और एक दूसरे का किसी भी पल साथ देना। इनकी दोस्ती को इतना आगे इसलिए रखा क्योंकि सिर्फ बीस्ट बॉय ही था जिसने साइबोर्ग को एक्सेप्ट किया है एज ए फ्रेंड। जब साइबोर्ग को पूरी उम्मीद हार गया था ना कि भाई मैं एक रोबोट हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो सिर्फ बीस्ट बॉय ही था जिसने उसे कूल बताया, और साइबोर्ग की था जिसने एक शेप-शिफ्टर ग्रीन देखने वाले को अपना दोस्त बनाया। तो हाँ, दैट्स पे मुझे इनकी दोस्ती काफी बढ़िया लगती है। नंबर 2, केविन एंड बेन। मुझे पता है कई लोगों को भाई भाई तुझे पता नहीं क्या इन दोनों ने एक दूसरे को मारने तक की कोशिश की है। अबे हाँ यार, मुझे पता है, लेकिन यार वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो एक दूसरे को जान से ना मारे। यस, केविन एंड बेन टेनिसन की जोड़ी सबसे निराली, और एक दूसरे तो भाई अगले की बहन ही चुरा ली। केविन 11 एक क्रिमिनल, एक ऑस्मोसिन, और बेन टेनिसन एक हीरो, और इसका जमाई क्या बोला तूने भाई, अगले ने अपनी इतनी हॉट बहन दे दी तो इसे तो भाई बेस्ट फ्रेंड बनाना तो बनता ही है। और बाकी ओमनीवर्स में हमने देखा ही है कि ये दोनों का डुओ कितना स्ट्रॉन्ग है, दे ट्रस्ट ईच अदर एवरी टाइम। तो जब ये मिल जाते हैं ना, इनको हराना किसी की भी बस की बात नहीं है। नंबर 1, ज़ोरो लूफी। ओके, तो मुझे लगता है इस पोजीशन से तो कोई भी बंदा डिसएग्री नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती पूरी दुनिया में गूंजी जाती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, एंड व्हेन आई सी दैट आई मीन इट। हाँ भाई, ज़ोरो ने लूफी के लिए अपने आप को बान कर दिया था, और भाई मौत को टक से छुपकर वापस आया था भाई ये बंदा। इसको इतना बड़ा सपना ग्रेटेस्ट वॉर्स में बनने का था, लेकिन इसने स्टील अपने बेस्ट फ्रेंड लूफी के सपने को आगे रखा। और जब ज़ोरो को पता चला कि इसकी डेथ से लूफी ट्रॉमा में चला गया है, उसने दूसरी बार भी नहीं सोचा और उसकी हेल्प करने चला गया, लेकिन मिहोक ने रोक दिया। और लूफी ज़ोरो पे अंधाधुंध ट्रस्ट करता है क्योंकि उसे पता है यार ज़ोरो उसे निराश नहीं करेगा। भाई मैं कह रहा हूँ, या ज़ोरो या लूफी, इन दोनों जैसे कोई भी बेस्ट फ्रेंड रियल लाइफ में मिल जाए ना,
तो माँ कसम भाई इस फेक वर्ल्ड में जीने का कोई कारण मिल जाए वरना चलो कोई बात नहीं यार, दोस्तों की मम्मी है उनसे तो भाई हम काम चला ही लेंगे। anyway, यही थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद होगी। आई नो मैंने बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड नहीं लिए जैसे कि गोकू एंड वेजिटा हो गए, टॉम एंड जेरी हो गए, या फिर भाई और कौन हो सकते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि बाकी बच्चे की फ्रेंडशिप को हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे, तो या कॉमेंट में भी यार अपनी खुद एक लिस्ट कस्टमाइज कर सकते हो। और यही थी आज की वीडियो। फिर तुम जरूर बताना कि क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इतना लॉयल है इन जैसा, या फिर वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। एनीवे गाइस, मैं मिलता हूं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। ओ भाई प्लीज मेरे मुंह में ले ले एक बार। सबे बम बताई ली हजात पात में माई के दिया।